auspicious time to make this function a successful. Being the principal, I appreciate my teachers as well as the students who prepared the model, as well as after this event, they will demonstrate in front of you what they have made. First of all, I would like to thank again all the guests and all the parents who gave us the precious time. सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। बस मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहते हो तो आपको अपने अंदर ना एक चीज को डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब समझते हो? देखो, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। अगर आप अपने अंदर जानने की इच्छा को डेवलप करोगे, अपने अंदर जानने की इच्छा को बनाओगे, तभी आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हो। ठीक है, जानने की इच्छा का मतलब होता है कि इस नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस माइक में बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आपको लाइटली सुनाई दे रही है, अगर मैं इस माइक में ना बोलूंगा तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो यहीं से आपके अंदर ना ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसमें क्या है कि वो मेरी जो आवाज है उसको इसने एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप डेली लाइफ में देखते हो तो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चीजें क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, जब आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा होगी, जब आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होंगे ना, वहीं से एक नई खोज निकलती है। जो डिस्कवरीज होती है ना, जितने भी साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिलता है वो ज्यादातर उनके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो मतलब चीजों को जानने की इच्छा रखते हैं। इस स्कूल के प्रांगण में जब भी हम पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी खुशी मन के अंदर से अपने आप मिलती है, क्योंकि वकील जी और अजय कुमार जी दोनों की सोच बड़ी क्रिएटिव है। कुछ न कुछ नया हर समय इनके माइंड में चलता रहता है और मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपके विद्यालय में बार बार आने का निमंत्रण भी मिलता है और मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि एक अपनापन है वकील जी के साथ और आप जो बच्चे हर समय एक नई सोच लेकर के अभी दिवाली पे आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का था। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, काफी अच्छी साल वगैरह लगा की थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बढ़िया। कि एक छोटे से बैकग्राउंड से, एक छोटे से गांव से जाना और फिर डीएम, एमडी और एमबीएस बनना, ऐसे लगता है कि पहले ये लगता था कि शहर के बच्चे होते हैं वही क्वालिफाई कर सकते हैं, या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हो उनके वो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। जैसे आपके टीचर हैं, मैंने सुना है मिस्टर वकील आपको बार बार अच्छे से गाइड करते रहते हैं, आपको मल्टीपल पर्सनालिटी से मिलाते रहते हैं और आपको रिसोर्सेज जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों की डेडिकेशन के अलावा आपको अपना पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। डिसिप्लिन में रहने से कंसिस्टेंसी बनती है और फिर हार्डवर्क करने की आदत पड़ जाती है। तो यही है कि आगे बढ़ने के यही मंत्र होते हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप डेली 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ते हो उसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। रोज़ इतना पढ़ते हो 2-2, 3-3 घंटे तो कंसिस्टेंसी बन जाती है, उससे आपको फिर एक्सपीरियंस आ जाता है और फिर आपको आगे जो नीट वगैरह या जिसकी भी क्वालिफाई करना होता है वो हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो आपको यही
गाइडेंस है कि प्लीज डिसिप्लिन में रहिए और कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए एजुकेशन में। और साइंटिस्ट हैं, जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो वहां पे लैंड किया था और वो किस तरीके से लैंड हुआ था, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें थी जिस तरीके से उसको लैंड करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, उस सेम एज एसली चंद्रयान 3 जो है वो हमारे बच्चों ने बना के यहाँ रखा है और वो भी आपके सामने प्रस्तुत किया करेंगे वो। और बहुत अच्छे अच्छे मेडल जो है मॉडल जो है उन्होंने प्रिपेयर किए, बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की है और ये सारा जो क्रेडिट है हमारे टीचर्स, बच्चों और हमारे जो देख रेख थी इनकी निगाह के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अजय जी, भाटी जी की उनके भाटी जी भारती जी की उनकी देख रेख की बदौलत हुआ था। जोरदार क्लैपिंग एक प्रिंसिपल सर के लिए जरूर हो जाए क्योंकि सारे उनकी देख रेख के अंदर ये हुआ था और उनका एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा साइंस एग्जीबिशन करवाना चाहता हूँ कि जिसका एरिया के अंदर नाम हो कि हाँ रियल के अंदर इन्होंने मॉडल बनाए हैं। और जो युवा बच्चे जो होते हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी किया उनको भी मैं यही उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि वो इनके अंदर है ना जरूर अगले साल जो मॉडल एग्जीबिशन हमारा होगा उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मॉडल जब आप बनाते हो तो उस समय आपको ये पता लग जाता है, सोच लो कि ये इस चंद्रयान 3 का ही बनाया है आपने, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने ये तैयार किया है, एक रट्टाफिकेशन इससे दूर हो जाती है। अब किसी भी एचसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, मैथ के अंदर मैं बात करूं तो रट्टाफिकेशन से आप ये सोच लेते हो कि एचसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, लेकिन इस मॉडल के थ्रू आप समझोगे कि किस तरीके से हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें पढ़ने से याद नहीं होती लेकिन देखने के बाद बहुत अच्छे से हम बारीकी से उस चीज को समझ जाते हैं। देखने के लिए आपको टीचर्स भी गाइड करते हैं कि अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब चैनल का या किसी और चीज का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप उसका सहारा लेने की बजाय ना उस चीज का फायदा उठाते हो, वो बहुत गलत बात है आपके लिए भी। आप अपने फ्यूचर के साथ उस चीज के लिए खिलवाड़ करते हो। और आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे काबिल हैं जो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अमित गेदर जी हैं, ये भी रूरल एरिया से हैं, आपको इतनी बड़ी फैसिलिटियां मिल रही है लेकिन इनको तो वो फैसिलिटी मिली भी नहीं थी और फिर भी इन्होंने जो MBBS करने के बाद MD की हासिल डिग्री जो हासिल की, FDM की जो डिग्री के लिए ये तैयार हैं करने के लिए, तो ये भी रूरल एरिया से है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। लेकिन ये एग्जाम्पल आप कितने दिन रिमाइंड रखते हैं, कितने दिन याद रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि ऐसी शख्सियत की फोटो ना अपने रूम के अंदर लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर दुनिया वाली से MBBS डॉक्टर मैं बनूंगा, वो भी बचे हैं। तो इससे ऐसे मोटिवेशन आपको टाइम टू टाइम MBBS से मिलते रहते हैं, ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाया जाता है ताकि आप इन चीजों को भूलो ना और उन चीजों को याद रखो। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके क्षेत्र के अंदर नीट और IIT की जो क्लासेस हैं वो यहाँ रूरल एरिया के अंदर मिल रही है, नहीं तो जो बच्चे यहाँ से सीकर और कोटा घूम रहे हैं ना, एक बार उनकी विजिट जरूर करके देख लेना आप। पेरेंट्स को भी मैं उनसे